Hi everyone, very good evening, Jayhind. Have you heard of this term, power of rational thinking? Power of rational thinking के अलावा मैं इसको अगर थोड़ा सा और broad करूँ तो I will say ability to think rationally. Actually जो आपका reasoning ability एक OLQ है और बहुत ही important OLQ है. मतलब मैं कहूंगा कि इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट OLQs, पर्टिकुलरली इफ यू आर गोइंग फॉर SSC टेक और एनी आर्मी SSP. आर्मी में SSC रीजनिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और उसका रीजन भी है बिकॉज यू नो रीजनिंग एबिलिटी इज मोर और लेस अबाउट लॉजिक, मोर और लेस नहीं टोटली अबाउट लॉजिक. तो उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको समझना चाहिए ये है, वॉट इज रैशनल थिंकिंग and are you able to think rationally as a human being or not? आप rationally सोच पाते हैं? अब आप कहोगे rationally का क्या मतलब है सोचने का? Rational thinking का मतलब ये है कि emotions को आप अलग कर दीजिए. Basically your ability to think rationally keeping emotions aside. आप हर चीज पे अगर emotional हो रहे हैं और हर चीज पे आप इमोशनली सोच रहे हैं और आप इमोशनली हर चीज को लेके चल रहे हैं तो आप बेसिकली रैशनली नहीं सोच पा रहे हैं. आपकी रीजनिंग एबिलिटी टू एन एक्सटेंट डाउन. जैसे कि पर्सपेक्टिव में अगर लें तो फॉर सम रीजन आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए. ऑफकोर्स आपको बुरा लगेगा क्योंकि बहुत नजदीक थे आप, आपको लग रहा होगा कि इस बार रिकमेंड हो जाएंगे, बहुत सारी आपके मन में उथल पुथल चल रही होगी. अब आप नहीं हुए तो आप दो तरीके से इसको सोच सकते हैं. एक तो ये है कि ओह माय गॉड आई मिस्ड इट, आई लॉस्ट इट, अब क्या होगा. एक तरह से आप अपने आप को निरस्त कर दें, वो भी करें मैं कह रहा हूँ. आप थोड़ा रो लें, आप थोड़ा बुरा मना लें, जरूरी है वो भी करें, परंतु मोर देन दैट व्हाट यू शुड फोकस इज कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग. क्योंकि जो एनालिसिस आप स्वयं के लिए कर सकते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन जो आप स्वयं कर सकते हैं, वो शायद दूसरे वाले को आप जब समझाएंगे तब कर पाएगा. जैसे कि आप कॉन्फ्रेंस आउट होकर अगर मुझसे बात करेंगे और कहेंगे सर ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ और ये हुआ, दो चार सवाल मैं पूछूंगा, आई विल बी एबल टू कम टू सम कंक्लूजन, बट यू ऑल्सो शुड डू सम इंट्रोस्पेक्शन कि व्हाट वेंट रॉन्ग. इधर उधर की ना बात कर तो बता कारवा लुटा कहां. तो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देते हुए आप ये देखिए कि कहां गड़बड़. आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के बाहर खड़े होके देखिए कि आप करके रहे थे. आपको बहुत ज्यादा आपको अपने बारे में मंथन करने को मिलेगा, खासकर GTU टास्किंग में कि ग्रुप डिस्कशंस में आप किस तरह की बातें कर रहे थे, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, क्या आपका जनरल नॉलेज, लॉजिकल एबिलिटी, बातें समझाने का तरीका क्या बहुत अच्छा था या कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे थे. आपका कैसा बिहेवियर रहा ग्रुप में, ग्रुप वालों ने आपको कैसे पसंद किया नहीं किया, क्या कुछ आपने लोगों को एनॉय तो नहीं किया अपने बिहेवियर से, कंडक्ट से, कहीं ग्रुप में ये तो नहीं लग रहा था कि यार ये बंदा कैसा है, अजीब सा है, या ग्रुप वालों को ये लग रहा था यार ये बंदा बड़ा अच्छा है. ग्रुप वाले जब बोलते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानिएगा, जब आपके ग्रुप के लोग बोलने लगे ना कि आपका हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि आपका होगा. हो सकता है इस बार नहीं होगा, हो सकता है, बट होगा जरूर. बिकॉज आपका अगर आपको ग्रुप एक तरह से सर्टिफाई कर रहा है और इंडिपेंडेंटली कर रहा है, बिना किसी यू नो लार लपेट के और बिना किसी स्वार्थ के कर रहा है, तो जरूर आप में कुछ वो बात है. क्योंकि वो नहीं आपको एसेस कर रहा है, वो बस आपको बाहर से देख रहा है. तो वो देखिए, फिर आप ये देखिए कि आपने कितने आपने किस तरह से जवाब दिए. मान लीजिए जियोपॉलिटिकल डिस्कशन हुआ इंटरव्यू में, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, आप कितने कॉन्फिडेंट थे, नर्वस थे, आप इन चीजों पे मंथन कीजिए. और उसके बाद ये भी सोचिए कि मैंने क्या गलती की और उन गलतियों पर आप काम कीजिए. तो वो हो गया रैशनल थिंकिंग. यानी कि अब आप इमोशनल थे, आप यू फेल्ट बैड, यू अलाउड इट टू पास, यू क्राइड, फाइन, एवरीथिंग डन. नाउ व्हाट, नाउ थिंक रैशनली कि व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन, हाउ कैन आई करेक्ट इट, हाउ विल आई करेक्ट इट, व्हाट ऑल चेंजेस आई विल ब्रिंग अबाउट माय सेल्फ, कैसे कैसे मैं बदलूंगा चीजें. और उन पे जब आप काम करेंगे, यकीन जानिए दैट विल हेल्प यू इमेंसली.
क्योंकि ये युद्ध कोई खत्म नहीं हुआ है, ये एक कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, ये एक पड़ाव आपका आपने पार किया है और नहीं हो पाया है, इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, फिर एक और युद्ध आएगा और आते रहेंगे। और आप जितना रैशनली सोच के अपने आप को एनालिटिकली डेवलप करेंगे, बिल्टअप करेंगे, उतना आप उस मंजिल के करीब जाएंगे। कई बार है ना, मैंने देखा है लड़कों को, अपने स्टूडेंट्स को, धीरे 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 और फाइनली वो रिकमेंड होते हैं, एक दो बार स्क्रीन आउट भी होते हैं, एक दो बार कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, परंतु धैर्य का साहस नहीं छोड़ते। तो पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग और एबिलिटी टू थिंक रैशनली इज बेसिकली पुटिंग योर सेल्फ इन परस्पेक्टिव विदाउट ब्रिंगिंग इमोशंस। मैं आपको और थोड़े एग्जाम्पल से दिखा दूँ, SRT से आप समझ सकते हैं कि वॉट इज पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, बहुत बेसिक SRT की बात करते हैं हम, सड़क पे आप जा रहे हैं, आपने देखा एक एक्सीडेंट हो गया, क्या करना चाहिए आपको? ऑब्वियसली आपको उसके पास जाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए, एज ए ह्यूमन ऑल्सो आपको इतना तो करना ही चाहिए और आप करते भी हैं। मान लीजिए अब उसका जो है, आपको फील हो रहा है कि पल्स थोड़ा लो हो रहा है, आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, इसको ज्यादा इंजरी हो गई है, फेटल हो सकती है, तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसके लिए दुखी होना चाहिए? यू शुड फील इमोशनली बैड फॉर दैट पर्सन और शुड यू डू समथिंग मोर? आपको उस समय इमोशनल नहीं होना चाहिए, आपको उस समय ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे इसको फटाफट अभी अस्पताल पहुंचाऊं। वो आपकी पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग को दर्शाएगा, ना कि ये कि आप जो हैं वो दुखी हो रहे हैं उसके लिए, आप फील बैड कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा उसको? आप मान लीजिए आपको लगा कि हाँ इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, आपने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, बट आपको भी पता है एम्बुलेंस विल टेक टाइम टू कम, एंड व्हाट इफ बाय द टाइम एम्बुलेंस कम्स ही इज डेड? तो आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? उसको अगर बचाने की ओर चल रहा है और अगर आप उस तरफ कार्यरत है तो क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कीजिए, आप लोग इकट्ठा कीजिए, आप खड़े हो जाइए सड़क में, रोकिए कोई भी गाड़ी जो जा रही है, एम्बुलेंस का इंतजार मत कीजिए, आप उसका फर्स्ट एड कीजिए, उसका ब्लीडिंग रोकिए, उसको फटाफट किसी गाड़ी में डाल के नजदीक के अस्पताल में, नजदीक के ट्रॉमा सेंटर में आपको मिल ही जाएंगे गूगल पे, आप 5-10 मिनट 15 मिनट में अगर उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं और वहां पे इमीडिएटली उसको नो डॉक्टर्स अगर अटेंड कर लेते हैं, बहुत फेयर चांसेस हैं कि एक आप जान बचा लेंगे। और ये तभी होगा जब आप उस समय रैशनली सोच रहे होंगे, अगर आप लॉजिक अप्लाई कर रहे होंगे, ना कि आप इमोशनल हो कि नो आप मुंह बना के बैठे हुए। तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल SRTs में एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कीपिंग द इमोशंस असाइड, पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग, ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी को बताता है कि आप रीजनिंग एबिलिटी आपकी हाई है कि लो है। रीजनिंग एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, ये आपको एक तरह समझ लीजिए डिफाइन भी करती है। जितने भी आप SRTs करते हैं, बेसिकली अगर आप लॉजिक को अप्लाई करेंगे, आपके SRTs अपने आप ठीक हो जाएंगे। SRTs किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आप ये मिस्टेक मत कीजिए। दे आर बेसिकली योर एबिलिटी टू थिंक रैशनली, पुटिंग योर सेल्फ देयर। जैसे कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग SRT पूछता हूँ, आप पहले जवाब में सोचिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सपोज अ मैन स्नैच्ड अ पर्स फ्रॉम अ लेडी इन अ रनिंग ट्रेन एंड जंप्ड आउट ऑफ द ट्रेन, व्हाट विल यू डू? अ मैन स्नैच्ड द पर्स फ्रॉम अ लेडी एंड जंप्ड आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, व्हाट विल यू डू? आप सोचिए। और जिसने मन में ये सोचा इस वीडियो को देखने के बाद और मुझे सुनने के बाद कि आई विल पुल द ट्रेन एंड कॉल द अथॉरिटीज, आपने रैशनल थिंकिंग नहीं की। पूछे क्यों? खुद से पूछे क्यों? मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा रनिंग ट्रेन से कूद चुका है, एक तेज तो जाहिर है कि ट्रेन बहुत स्पीड में नहीं थी, तभी वो कूदा होगा। मान लीजिए थोड़ी सी तेज भी होगी तो कूद गया वो, कई लोग होते हैं 30 मार खां कूद गया। तो आपका कूद के वो वेट थोड़े कर रहा है वहां पे, अप्लाई कीजिए लॉजिक। कूदने के बाद वो इंतजार थोड़े करेगा, आप खुद सोचिए। तो कूदेगा और भागेगा, और वो रेलवे ट्रैक पे नहीं भागेगा, वो रेलवे ट्रैक के लेफ्ट राइट निकल के पता नहीं कहाँ सबर्ब्स में, कहाँ गांव में, कहाँ शहर में, जहां पे भी ट्रेन है उसके कहीं कोने में छुप क्या होगा। तो आप ट्रेन को रोक के करेंगे क्या? और रुकेगी कब ट्रेन, ये सोचिए। आपने चेन खींचा, मान लीजिए आपने उसके कूदने के 30 सेकंड के बाद ही आपने ट्रेन खींच दिया या 20 सेकंड के बाद खींच दिया, ट्रेन को रुकने में समय लगेगा,
उतने समय आप उतना आगे चले गए होंगे, तो क्या आप वहां जाके जहां पे भी रुकेगी ट्रेन वहां से आप कूद के पीछे बाहर आएंगे और उस वाले को पकड़ेंगे दौड़ के? क्या आप करेंगे? क्या आपको करना चाहिए? आप खुद कहेंगे नहीं, नहीं करना चाहिए। तो आप क्या अप्लाई नहीं कर रहे हैं लॉजिक? और लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? आप इमोशनल खेल रहे हैं, इमोशनली आप चार्ज हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं रैशनल थिंकिंग इज कीप द इमोशंस आउट। क्या करना चाहिए बेसिकली आपको इसमें? क्या करना चाहिए? आपको इन्फॉर्म करना चाहिए अथॉरिटी को, बट उससे पहले उस लेडी को शांत करना चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अगर हो सके तो अपने से कुछ पैसे दे दीजिए उसको और बोलिए शांत रहिए, कोई बात नहीं, दे क्या, आपकी जान नहीं गई है, हम इसको मैटर को रिपोर्ट करते हैं, उसमें आरपीएफ के जवान होंगे, वो लोग अपना नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल यू कैन डू। बट उसको पकड़ने के लिए अगर हमने चेन खींच दिया ना, सच मानिए अपने लॉजिक अप्लाई नहीं किया है। और उसके चक्कर में क्या हुआ, आपने ट्रेन को बीच में रोक दिया है, पीछे भी ट्रेन लेट हो जाएगी, ट्रेन ये वाली भी लेट होगी, और कोई फायदा नहीं। वो भी डीटी है, आप भी, आप भी आके चलाएगा, आपका दिमाग खराब है, आप ऐसे ट्रेन का चेन खींच देने का, आपको फाइन वाइन भी कर देगा वो। सो दैट इज व्हाट रैशनल थिंकिंग इज। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू अप्लाई लॉजिकली इन मिस्टेक्स दैट दे मेड इन एसआरटीज, इन ऑल्सो स्टोरीज, इन ऑल्सो द लॉजिकली व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट देयर यू नो जर्नी इन द इंटरव्यू। बहुत जरूरी है, अप्लाई कीजिए अपने आप को, रीजनिंग एबिलिटी बिल्डअप कीजिए, इट विल हेल्प यू इमेंशली। मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी आपसे एक और विनती है, निवेदन है, आप इसको शेयर भी कीजिएगा, सो दैट इट रीचेस टू मोर पीपल, बिकॉज नो पीपल आर जस्ट थ्रोइंग कंटेंट, नो लॉजिक, आई डोंट, वेरी फ्यू आर दैट। So I genuinely feel my content is good, and you also tell me through your comments and otherwise in messages. So please spread it. I'll be very thankful. Thank you and Jai Hind.